नमस्कार साथियों, मैं आर्यन जायसवाल एक बार आप सबका फिर से दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहां पर आप सबको लगातार यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, लोअर पीसीएस मंडी परिषद के सुपरवाइजर, आपको पता है कि एग्जाम्स लग चुके हैं। 30 तारीख को भी एग्जाम है, 31 को भी एग्जाम है और 7 तारीख को भी एग्जाम है। और क्या पता आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाए कि 7 के बाद भी कोई ना कोई एग्जाम आपका लग जाएगा। लोअर पीसीएस भी जल्दी ही होगा, तो सभी लोग तैयारी में लगे रहो। आपको जितनी भी तैयारी है, जितनी मदद मेरी तरफ से हो सकती है, मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कवर करवा दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बचता है भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल से सिर्फ एक वीडियो आपको दिया है, उत्तर प्रदेश बजट। अब यहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो और भी चीजें हैं पूरा डिटेल में वन लाइनर के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं 4 से 5 पार्ट, थोड़ा सा लेंदी होगा बट कोशिश करूंगा 4 से 5 पार्ट यानी कि आने वाले 25 से 26 तारीख तक मैं सब कुछ कवर कर दूं। और इन 25 से 26 तक जो भी मैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहां पर कवर करूंगा वो सारा का सारा यूपी करंट अफेयर का पूरा डिटेल होगा। उसके बाहर से यूपी करंट अफेयर से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, आपका ज्यादा समय ना गवाते हुए भाई, होम एक्सपो इंडिया 2019। जी हां दोस्तों, 16 से 18 अप्रैल 2019 के मध्य 3 दिवसीय होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा भैया, ग्रेटर नोएडा, ये डेट और आपका ये जो जगह है ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPCH द्वारा किया गया। तो होम एक्सपो इंडिया जो है इसका आयोजन 16 से 18 अप्रैल 2019 को, ये 3 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में EPCH द्वारा किया गया। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं आपको कहता हूं कि टाइम से आ जाया करो, चैनल पर देख लिया करो, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो PDF की टेंशन मत लो, यहां पढ़ो, वहां जाके रिवाइज करो। अगला पॉइंट आपका यहां पर कह रहा है, इसी से रिलेटेड है भाई, लगभग 500 कंपनियों ने इस आयोजन में अत्याधुनिक एक्सपो सेंटर एंड मॉट में होम डेकोर, फर्निशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग और टेक्सटाइल के संग्रहों का प्रदर्शन किया। तो याद रखिए, लगभग कितनी कंपनियों ने, 500 कंपनियों ने। अगला पॉइंट आपका यहां पर कह रहा है कि अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित 50 से अधिक देशों के खरीदारों ने होम एक्सपो का दौरा किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 से अधिक देशों ने, इस खरीदारों ने इस होम एक्सपो का दौरा किया था। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा, आप EPCH आ गया तो इसके बारे में भी जान लो। तो जो EPCH है इसकी स्थापना जो है ये कंपनी अधिनियम के तहत 1986 से 1987 के बीच में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड क्या है कि यह हस्तशिल्प निर्यातकों का शीर्ष निकाय है जो हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने, समर्थन, संरक्षण, रखरखाव के साथ ही विदेशों में भारत की छवि को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, याद रखिएगा ये, क्योंकि आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म भैया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हस्तशिल्प होते हैं, समझ गए ना। तो याद रखिएगा इसके बारे में बात कर रहा है, EPCH के बारे में ये आपकी जो लाइन है लिखी गई है। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं भाई बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपका यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है भाई, 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी। तो कहां से रखी भैया, ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से और किस डेट को, 9 मार्च 2019 को। इसके अलावा इससे रिलेटेड पॉइंट आपका यहां पर यह है पहला पॉइंट कि 1320 मेगावाट के ये दोनों संयंत्र क्रमशः बक्सर कहां पे है, बिहार, और बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कितने भैया, 1320 मेगावाट के जो दोनों संयंत्र हैं आपके बक्सर और बुलंदशहर में स्थित हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों परियोजनाएं जो हैं वो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस टेक्नोलॉजी पर भाई, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में 2 यूनिट्स यानी कि 660 मेगावाट की क्षमता है। समझ में आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि ये जो दोनों यूनिट है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से युक्त हैं। समझ गए, ये तो उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आपको यहाँ पर कवर होते चल रहे हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई, जो खुर्जा संयंत्र यानी कि जो बुलंदशहर वाला संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य तथा बक्सर संयंत्र से बिहार और पूर्वी क्षेत्र जो है आपके लाभान्वित होंगे। तो याद रखिएगा, जो आपका खुर्जा
का संयंत्र है उत्तर प्रदेश वाला, उसके वो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य को क्या बोलते हैं लाभान्वित करेगा। इसके अलावा जो बक्सर संयंत्र है वो बिहार और उसके पूर्वी क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपके यहाँ पर भाई किससे संबंधित है, श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना। जी हाँ दोस्तों, अब इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो परियोजना है याद रखिएगा भाई, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास किया। कहाँ पे किया भाई, वाराणसी में किया, याद रखिएगा। और कौन से किसके परिक्षेत्र में, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में, और किस डेट को, 8 मार्च 2019 को। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में इसी से रिलेटेड। तो ये है भाई, परियोजना के अंतर्गत मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है और विस्तारीकरण के लिए टोटल 380 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 380 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना पर लगाया गया, बस याद रखिए। बस अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा भाई, अयोध्या विवाद। अब देखो, अयोध्या विवाद से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय जो न्यायमूर्ति हैं, कितने न्यायमूर्ति की पीठ है, सदस्य होंगे, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान हेतु मध्यस्थता जो समिति है, तो 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय जो है उसके द्वारा अपनी निगरानी में अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कितने सदस्यीय समिति का भाई, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला, इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। तो भैया इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, बेसिकली ये रिटायर्ड हो चुके न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला, याद रखिएगा पूरा नाम याद रखिएगा। इसके अलावा समिति के जो अन्य सदस्य हैं उनमें सदस्यों में आध्यात्मिकता गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू शामिल है, समझ गए। तो ये 3 सदस्य हैं टोटल जो अध्यक्षता करेंगे, उनका नाम याद रखिएगा, और जो 2 सदस्य उनका भी नाम याद रखिएगा। इसके अलावा इस मध्यस्थता समिति की जो कार्यवाही का होगी, आपको पता भी कहाँ पर होगा, अयोध्या से संबंधित है, तो आपका अयोध्या फैजाबाद से ही संचालित होगा। हो गया भाई, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं भाई, अगला पॉइंट पिंक बस सेवा का शुभारंभ। तो देखिए इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो पिंक बस सेवा का जो शुभारंभ है भैया 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 22.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा का शुभारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब स्टार्ट हुआ, 6 मार्च 2019 को, और किसने स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, और कितने करोड़ रुपये की लागत से, 22.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्भया योजना, यानी कि इस निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा का शुभारंभ किया। अब बेसिकली पिंक बस से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिंक बसों में क्या होंगे, कैमरे होंगे, ट्रैकिंग के लिए GPS तथा आपात स्थिति में पैनिक बटन की व्यवस्था भी आपकी उपलब्ध होगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिंक बसों में महिला परिचालकों की नियुक्ति की गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं भैया कुंभ के बारे में। पता है ना, कुंभ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था 2019 के बारे में बात करते हैं, तो कुंभ 2019 का समापन, तो भैया 5 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं कौन है, राम नाईक, इन्होंने प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में स्थित गंगा पंडाल में कुंभ 2019 के समापन समारोह को संबोधित किया। तो कितनी तारीख को भैया, 5 मार्च 2019 को किसने किया, राज्यपाल जी ने किया। इसके अलावा कहाँ पर भैया, कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में स्थित गंगा पंडाल में। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, 15 जनवरी से लेकर के 4 मार्च 2019 तक जो संपन्न ये भव्य और दिव्य कुंभ है, इसमें टोटल कितने करोड़ लोग, 24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान करके विश्व कीर्तिमान यानी कि एक रिकॉर्ड स्थापित किया। तो 24 करोड़ से अधिक लोगों ने इस दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान किया। आते हैं अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहली बार कुंभ को एक नया लोगो दिया, लोगो यानी कि एक नया निशान दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर 450 वर्षों से बंद अक्षय वाट और सरस्वती कूप के दर्शन के लिए खोला गया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है कितने वर्षों से बंद था, तो 450 वर्षों से बंद था अक्षय वट और सरस्वती कूप, जिसको दर्शन के लिए खोला गया। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, इसी से रिलेटेड कि भैया 70 देशों के राजदूत तथा 3200 से अधिक अप्रवासी भारतीय कुंभ में आए थे। सोचिए, 70 देशों के राजदूत तथा 3200 से अधिक अप्रवासी भारतीय NRI जो होते हैं वो भारतीय कुंभ में आए।
अगला पॉइंट आपका यहाँ पर देखिए इसी से रिलेट किया गया है कि 3 मार्च 2019 को प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को तीन क्षेत्रों यानी कि सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंध योजना पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग तथा सबसे बड़ी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड शामिल किया गया। तो याद रखिएगा तीन क्षेत्रों में मिला था, कौन कौन सा? पहला क्षेत्र सबसे बड़ी यात्रा और भीड़ प्रबंध योजना, इसके अलावा पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग और तथा सबसे बड़ी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड शामिल किया गया। तो भाई इतना सब कुछ हुआ, क्या और किसी सरकार में हुआ था? कुछ नहीं कहूँगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यूनेस्को ने कुंभ जो मेला है इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है वो घोषित किया। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो ये भैया इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के कोरवा में स्थित भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्रा लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। तो कब समर्पित किया? 3 मार्च 2019 को, और नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित किया तो अमेठी के कोरवा में स्थित। तो कहाँ पर भैया? अमेठी के कोरवा में स्थित। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई, कोरवा की आर्डिनेंस फैक्ट्री में विश्व की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक AK-203 का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा जो कोरवा यानी कि अमेठी का जो कोरवा है वहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पर विश्व की सबसे आधुनिक राइफलों में से जो एक है AK-203 इसका निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि AK-203 का निर्माण कहाँ पर होगा? तो कोरवा की फैक्ट्री में होगा। अब भैया बात करते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यात्रियों के लिए या कार्यकर्त्रियों के हेतु प्रोत्साहन योजना। तो आंगनबाड़ी आपको पता है भैया, तो 2 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों के लिए प्रोत्साहन योजना जो है लागू करने का निर्णय लिया गया। तो किस दिन? 2 मार्च 2019 को। और किस किस के लिए? मैंने आपको बता दिया, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायकों के लिए। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो योजना है इसके अंतर्गत 1 माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को क्रमशः 1500। तो ये जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको 1500, जो मिनी आंगनबाड़ी उनको 1250 और जो सहायिका है उनको ₹750 प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो प्रोत्साहन योजना है ये 1 फरवरी 2019 से लागू है। कब से लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 2019 से ये प्रोत्साहन योजना जो है आपकी लागू है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई, लाभार्थियों को यह प्रोत्साहन जो है, यह प्रोत्साहन जो राशि है वो 1 फरवरी 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक प्रदान किया जाएगा। तो ये इतने पॉइंट जो है आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं एक और पॉइंट सबसे आखिरी यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गेहूँ क्रय नीति के बारे में बात करते हैं। तो 2 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित तथा लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए रवि विपणन वर्ष 2019-2020 हेतु मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। अब देखो गेहूं क्रय नीति से आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कब लागू हुआ कब नहीं लागू हुआ, क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि क्या मूल्य समर्थन यानी कि क्या रखा गया, बस यही पूछा जाता है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके तहत गेहूं का जो क्रय है वो भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो ₹1840 प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। पहले 1750 था, अब जो है ₹1840 प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। ये 2019-20 की बात हो रही है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप अगर आपने किसी ने पेपर दिया होगा इसके पहले उसको आइडिया होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड क्या है कि भाई रवि खरीद वर्ष 2019-2020 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का कार्यकारी लक्ष्य जो है रखा गया। तो कितने का भाई? 50 लाख मीट्रिक टन। अगले पॉइंट पर आते हैं भाई, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि गेहूँ क्रय की जो अवधि है इंपॉर्टेंट है, इसकी अवधि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 जून 2019 तक प्रभावी रहेगी। तो ये भी याद रखिएगा कब से कब तक? 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 जून 2019 तक। अब बात करते हैं भैया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान।
तो भैया जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है ये भैया 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ इनके द्वारा इस आयोग अभियान का शुभारंभ किया गया। और ये अभियान जो है इसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं यानी कि BPL जो लोग हैं ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित नहीं यानी कि जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो लोग इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी जो होगा उसको राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिससे प्रदेश में लगभग 8.5 लाख परिवार जो होंगे आपके लाभान्वित होंगे। समझ में आ रहा ना। इसके अलावा तो ये तो हो गया भैया इससे रिलेटेड। अब भाई बात कर लेते हैं कानपुर मेट्रो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है लखनऊ मेट्रो बन के तैयार। कानपुर मेट्रो के बारे में बात करते हैं तो भैया 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भाई इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर IIT से नौबस्ता। IIT कहाँ पड़ता है आपको पता है, कल्याणपुर के थोड़ा सा आगे IIT पड़ता है। IIT से नौबस्ता उसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है 23.785 किलोमीटर। और कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा यानी कि जो आपका कृषि विद्यालय है CSA जो चंद्रशेखर आज़ाद है वहाँ से लेकर के बर्रा तक की जो लंबाई है यानी कि 8.60 किलोमीटर तक लगभग निर्मित किए जाएंगे। और इसका जो ऑफिस है वहीं आसपास बन रहा है कृषि विश्वविद्यालय के। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, परियोजना की पूर्णता जो अवधि है वो 5 वर्ष और लागत राशि कितनी होगी 11,076.48 करोड़ रुपये इसकी लागत राशि होगी। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए, जो 2 कॉरिडोर बन रहे हैं इसके अलावा 5 वर्ष की अवधि लगी है लगेगी और यहाँ पर इतने करोड़ रुपये लगेगी। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना के हेतु 175 करोड़ रुपये की जो राशि है आवंटित की गई है। समझ गए दोस्तों। तो ये थे कुछ आज के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी बहुत सारा है, बहुत सारा यानी कि अभी इसी तरह के अभी कम से कम 4-5 वीडियो की अभी आपको और मिलेंगे जिससे आपका सारा कुछ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे UP SSSC का UP PCS का कोई भी एग्ज़ाम दो, कहीं भी बाहर से नहीं आने वाला है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मारो, लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो यार शेयर कर दो, शेयर बिकॉज यू नो ना शेयर इज केयर। तो यार प्लीज़ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करने का मुझे फ़ायदा कम, आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। सो गाइस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।